नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 22 अक्टूबर 2019, और यहां पर अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर हाजिर हूं, जो स्टॉक मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करता हूं, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूं, लाइव मार्केट में प्रोवाइड करता हूं। उसने कैसा परफॉर्मेंस आपके लिए किया, किस में टारगेट आया, किस में स्टॉप लॉस हिट हुआ, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू। देखिए, अपने यूट्यूब चैनल के 3 स्टार सेक्शन में सबसे पहला स्टॉक मैंने रेमंड को रिकमेंड किया था, रेमंड। तो रेमंड का चार्ट ओपन करते हैं हम लोग यहाँ पे, और देखते हैं क्या रेमंड ने परफॉर्मेंस किया आपके लिए। तो 5 मिनट का चार्ट कर लेते हैं रेमंड का। 602 के ऊपर दोस्तों बाय करना था, ठीक है, और हाई लगा दिया ओपन होते के साथ, शुरू के 5 मिनट में हाई लगा दिया 624 का, फाइनल टारगेट 614 का। तो सारे टारगेट अचीव कर दिए शुरू के 5 मिनट में। आपको एंट्री का इसमें मौका ही नहीं मिला, आपको इसमें एंट्री का मौका ही नहीं मिला, इसलिए आपको इसमें बाय का ऑर्डर नहीं मिला। लेकिन ऊपर तरफ भागा स्टॉक, बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट किया। पोजिशनल स्टॉक्स के लिए भी मैं रेमंड को मैंने रिकमेंड किया हुआ था। सेल करना था 593 के नीचे, तो 593 के नीचे ये गया ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गया। यानी कि रेमंड में आपको एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला, ना बाय ऑर्डर ट्रिगर हो पाया, 5 मिनट के बाद एंट्री करना था, अगर लेवल पे मिलता तो लेवल पे फिर मिला ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। तो इस हिसाब से अगर नोट करें तो एक लिख सकते हैं कि रेमंड में जो है आपको कोई एंट्री रेमंड में आपको नहीं मिला, ठीक है, रेमंड में कोई एंट्री आपको नहीं। तो बगल में लिख भी लेते हैं हम लोग कि हमारा इसमें क्या हुआ। तो रेमंड का जैसे है कि हम लोग रेमंड है ना, रेमंड में लिख लेते हैं कि रेमंड में आपको नो एंट्री हुआ, ठीक है, इसमें नो एंट्री, टारगेट ही माने ऑर्डर ही नहीं मिल पाया, तो बात ही खत्म हो गया। मुथूट फाइनेंस को अगला स्टॉक दिया हुआ था दोस्तों मैंने बाय करने के लिए, मुथूट का चार्ट ओपन करते हैं, और मुथूट को बाय करना था 680 के ऊपर। तो पहली कैंडल को इग्नोर करेंगे, सेकेंड कैंडल से देखिए 680 के ऊपर गया, क्या स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ, 675 का स्टॉप लॉस था, नहीं कटा हमारा स्टॉप, 680 के ऊपर आपने यहाँ कहीं बाय किया। तो पहला टारगेट था दोस्तों 685, वो टारगेट आपको यहाँ पे डन हो गया। तो इसने आपको रेमंड ने सॉरी मुथूट फाइनेंस ने एक टारगेट अचीव कर दिया, 685 का, 86 का था, उसने एक टारगेट अचीव कर दिया। दूसरा टारगेट था 685 का, पहला टारगेट अचीव, दूसरा टारगेट था 690 का, स्टॉक्स ने 690 का दूसरा भी अचीव करके दिया आपको, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हम लोग, 690 का टारगेट डन। और तीसरा टारगेट था 695 का, स्टॉक ने हाई कितने का लगाया है, 693.35 रुपये का हाई लगाया। तो हमारा लगभग 2 टारगेट आराम से उधर डन हो गया, 2 से ज़्यादा ही डन हुआ। तो यहाँ पे हम लोग मुथूट फाइनेंस में लिख लेते हैं क्या कि टारगेट डन, 2 टारगेट, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मुथूट फाइनेंस में। चलिए मुथूट का लिख लेते हैं, सामने में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। 2 टारगेट है ना, 2 टारगेट डन हो गया, लिख देता हूँ 2 टारगेट डन। तो इधर रेमंड में कोई एंट्री नहीं मिला, मुथूट में टारगेट डन हुआ। तीसरा स्टॉक दिया था बाटा इंडिया का दोस्तों, तो बाटा इंडिया का भी चार्ट ओपन कर लेते हैं। सारे अपने यूट्यूब चैनल के 3 स्टार सेक्शन में मैंने दिया हुआ था। बाटा इंडिया को बाय करना था दोस्तों 1780 के ऊपर, शुरू के 5 मिनट में अवॉइड करेंगे, और सेकेंड कैंडल देखिए 1781 से निकलता है, यहाँ से अगर आपने बाय किया हो तो फाइनल टारगेट इसमें बात करें तो 1804 रुपये का था। स्टॉक्स ने जो हाई लगाया है ऊपर 1805 रुपये के आसपास का हाई लगाया है, ठीक है, तो इसने एक तीनों टारगेट डन कर दिया। पहला टारगेट 1788 था वो डन, दूसरा टारगेट 1796 था वो डन, और तीसरा टारगेट था 1804 का, उसने भी डन कर दिया। तो ये बाय साइड के 3 टारगेट डन हो गए। सेल करना था 1765 के नीचे, तो हम सेल साइड भी देख लेते हैं। अगर 1765 के नीचे आपने कहीं सेल किया है, 1765 यहाँ कहीं पे आपने इस कैंडल पे सेल किया है, इस कंडीशन में जो पहला टारगेट था सेल साइड में 1757 वो डन हो गया, दूसरा टारगेट था 1749 वो डन हो गया, और तीसरा टारगेट था 1741 का। तो स्टॉक ने जो लो लगाया है 4190 यानी 42 का नो लगभग ऊपर 3 टारगेट बाय साइड के दिया, और 3 टारगेट से थोड़ा कम रह गया, 2 टारगेट मान लेते हैं, यानी 3 टारगेट बाय साइड का हो गया बाटा इंडिया में। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3 टारगेट बाय साइड का बाटा इंडिया में है ना। बाटा में क्या हुआ कि बाय का 3 टारगेट दे दिया बाय साइड का है ना, बाय का 3 टारगेट और सेल का 2 टारगेट दिया। यानी इसमें यूट्यूब चैनल के 3 स्टार सेक्शन में जो 3 स्टॉक देता हूँ उसमें मुथूट फाइनेंस में प्रॉफिट कमाया, बाटा इंडिया में दोनों साइड प्रॉफिट कमाया, और रेमंड में आपको एंट्री नहीं मिला। ये हुआ यूट्यूब चैनल के 3 स्टार सेक्शन का
मेरा रिव्यू अब करते हैं, जो मैं टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ और लाइव मार्केट में देता हूँ उसका भी रिव्यू कर लेते हैं। इसमें आपको 100% लगभग 3 में से 2 स्टॉक्स ने टारगेट दे दिया, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलने देखने को मिला। टेलीग्राम चैनल ओपन करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा स्टॉक्स मैंने दिया हुआ था, उसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो चलिए ऊपर की साइड में चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर और देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अपोलो हॉस्पिटल को मार्केट ओपन होने से पहले दिया था 1500 ऊपर के बाय, 1512 के ऊपर बाय और 1504 का स्टॉप लॉस। तो चलिए अपोलो हॉस्पिटल को भी चेक कर लेते हैं। शुरू के 5 मिनट की ये पहली कैंडल है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1512 के ऊपर बाय करना था, तो पहली कैंडल को इग्नोर करते, सेकेंड कैंडल भी नहीं गया, थर्ड कैंडल गया 1512, यहाँ से आपने बाय लिया और स्टॉप लॉस 1504 का था, हिट नहीं हुआ। जो टारगेट था हमारा इस कंडीशन में लिखा हुआ, मैंने फाइनल टारगेट देख लेते हैं 1536, सेकेंड टारगेट 1528 है ना, और पहला टारगेट 1520, यानी 20, 28 और 36 का टारगेट है। तो 1520 का पहला टारगेट डन हो गया, 1528 का दूसरा टारगेट डन हो गया और तीसरा टारगेट 1536 का था वो भी डन हो गया। यानी कि अपोलो हॉस्पिटल में भी आपने तीनों प्रॉफिट बुक किया, बाय साइड के अपोलो के तीनों टारगेट, अपोलो हॉस्पिटल, देखिए दिवाली आ गई है ना, तीनों टारगेट डन हो गया, तीन टारगेट डन अपोलो में, तीन टारगेट डन हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये हो गया। इसके अलावा जो स्टॉक दिया था उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, अपोलो के अलावा जो दिया था INR को, तो इसमें SL हिट हो गया, जो मैंने लिख दिया है कि आपका SL हिट हो चुका है। उसके बाद मुथूट फाइनेंस, ये सारी चीज़ें तो आपको मिल गई, मुथूट फाइनेंस, एशियन पेंट, इसके बाद कहाँ था, कहाँ भाग गया, एशियन पेंट को सेल करने दिया था 1800 के नीचे, तो एशियन पेंट को टारगेट डन हो गया, 1792 का टारगेट था डन गया, हालांकि और भी नीचे गया लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत नीचे चला गया एशियन पेंट, आप देखना भी चाहे। USD INR में SL हिट हुआ है, तो आप चाहे तो इस बात को लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ है ना, USD SL हिट, और दूसरा था क्या, एशियन पेंट, तो एशियन पेंट 1792 का टारगेट था, देखिए इसने कितना लो लगाया है, 1775 तक का लो लगा दिया, तो सारा टारगेट डन हो गया एशियन पेंट में भी। तो आप एशियन पेंट में भी लिख लीजिए कि टारगेट डन है ना, एशियन में भी हो गया टारगेट कंप्लीट डन। उसके बाद कौन से स्टॉक्स दिए थे वो भी देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद स्टॉक दिया था हाँ भारती एयरटेल, तो भारती एयरटेल में भी SL हिट हो गया, भारती एयरटेल में भी SL हिट हो गया, हालांकि नीचे आया था, प्रॉफिट अगर बुक किया रहता आप लोगों ने तो अच्छी बात था, अदरवाइज इसमें भारती में क्या हुआ, एयरटेल में SL हिट हो गया। तो अभी 2 SL हिट हुआ है, याद रखिएगा 2 SL हिट हुआ है, अब प्रॉफिट उधर 3 स्टार सेक्शन में 2 में प्रॉफिट, पूरा का पूरा आया, और इधर दोनों में प्रॉफिट आया 4, ठीक है, यानी 4 में प्रॉफिट आ चुका है कंप्लीट, और बहुत सारा, इसको भी चेक करते हैं हम लोग, और भी चेक कर लेते हैं, और कौन सा स्टॉक दिया था, एस्कॉर्ट टारगेट डन, चलिए एस्कॉर्ट का भी टारगेट डन हो गया, तो एस्कॉर्ट का भी टारगेट डन हो गया, एक स्टॉक और टारगेट में बढ़ गया है ना, एक टारगेट में और बढ़ गया, प्लस हो गया, यानी टोटल अभी 5 हुआ है, टारगेट 5 में डन हुआ है। और चेक कर लेते हैं किस में आपको आया, और कौन स्टॉक दिया था मैंने, बस एस्कॉर्ट के बाद फिर कोई स्टॉक्स मैंने नहीं दिया, यानी आपने प्रॉफिट कमाया आज अपोलो हॉस्पिटल में, प्रॉफिट कमाया बाटा इंडिया में, प्रॉफिट कमाया मुथूट फाइनेंस में, रेमंड में ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, प्रॉफिट कमाया आपने एस्कॉर्ट में, प्रॉफिट कमाया आपने एशियन पेंट में, इस समय प्रॉफिट कमाया, और लॉस किस में हुआ, INR में SL हिट हुआ और साथ ही भारतीय एयरटेल में भी SL हिट हुआ। ये था मेरा दोस्तों अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू, यानी 5 में टारगेट आ गया, 2 में आपका SL कट गया। तो ये था स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू, अगर पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, 5 नहीं बल्कि 6 में, ऑलरेडी 6 में टारगेट आया ना, 6 में टारगेट आया, 2 में ऐसा लिट हुआ। तो ये स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू था दोस्तों, अगर ईमानदारी से क्या लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।